Shalom. Praise the Lord. Greetings in Jesus' wonderful name. Hallelujah. The Lord is awesome. The Lord is wonderful. The Lord is glorious. The Lord is kind. The Lord is compassionate. The Lord is slow to anger and abounding in love and mercy. The Lord is faithful. Hallelujah. The Lord Always remembers the covenant of his love and mercy. The Lord, would not, the Lord would not abandon us. Hallelujah. But He will hold us in His right righteous hand forever. Hallelujah. He delights to pardon our iniquity when we repent and turn to Him wholeheartedly. Hallelujah. Lord, we bless you. Bless you. ho, Prabhu. धन्यवाद हो प्रभु तेरा धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह तेरे जलाली नाम की महिमा करते महिमा करते महिमा करते हैं प्रभु तेरे जलाली नाम की महिमा करते महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे जलाली नाम की हम महिमा करते हैं तेरे जलाली नाम को हम ऊंचा करते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो प्रभु तेरा धन्यवाद 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 हो प्रभु तेरे नाम की महिमा 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 हो हाल आइए हम प्रार्थना करें आज की सुबह यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें हाल अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अर्पण करें हाल अपने शरीरों को जीविता मन भावता और पवित्र बलिदान करके चढ़ाए भाई और बहनों अभी भी एक कुर्बानी बाकी है यीशु मसीह ने संपूर्ण कुर्बानी क्रूस पे दे दी लेकिन अभी भी एक कुर्बानी बाकी है वो कुर्बानी है रोमियो की पत्री बारह अध्याय का दो वचन आपको अपनी देहों को जीविता मन भावता और पवित्र बलिदान करके प्रभु को चढ़ाना है हमें क्रूसित जीवन जीना है हाल अपने शरीरों को जीविता मन भावता और पवित्र तीन डायमेंशन हैं हमारी बॉडी की शरीर की होलीनेस की पहले ये जीविता बनती है पवित्र बनती है फिर फिर परमेश्वर को मन भाती है वो बलिदान हमें चढ़ाना है ताकि परमेश्वर हमारी कुर्बानी के अरोमा को सूंघे और प्रसन्न हो जाए और रोमियो की पत्री में प्रेरित पलूस कहता है बी ई नॉट कंफॉर्म्ड एनी लॉन्गर टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड बट बी ई ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड प्रेरित पलूस कहता है संसार के जैसे मत बनो पलूस यूनानी भाषा में जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा है वो ये सजेस्ट करता है कि ये संसार आपको अपने रीति रिवाजों में अपने परंपराओं में अपनी संस्कृति में अपने स्टाइल में आपको मोल्ड करना चाहता है तो उस मोल्ड से उस सांचे से बाहर निकलिए और ट्रांसफॉर्म होइए ट्रांसफॉर्म के लिए प्रत पलूस शब्द इस्तेमाल करता है मेटामोर्फू मेटामोर्फियो मेटामोर्फिज्म ये मेटामोर्फू क्या है भाई और बहनों ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है जैसे एक बटरफ्लाई छोटा सा एग देती है वृक्ष की डाली पे और वो एग छोटा सा कीड़ा बनता है लार्वा बन जाता है फिर वो लार्वा प्यूपा बन जाता है जैसे एक एक वर्म की तरह दिखाई देने लगता है फिर उस वर्म के अगली स्टेज में छोटे छोटे टांगे निकलने लगती हैं वो ऐसे लगता है जैसे कोई कॉकरोच की तरह है फिर वो वृक्ष की टहनी को खा के और मिट्टी पैदा करने लगता है वो मिट्टी उसके चारों ओर लिपटने लगती है फिर वो कीड़ा ककून में बंद हो जाता है जब वो अंदर बंद हो जाता है तो परमेश्वर सृष्टि का रचता उसके अंदर उसके ऑर्गन बनाता है उसको खूबसूरत पंख देता है पंखों को खूबसूरत रंग देता है और एक कीड़े को बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म कर देता है दैट इज कॉल्ड मेटामोर्फू बदल जाना अंदर से बदलना मेटामोर्फू ट्रांसफॉर्मेशन रेफॉर्मेशन नहीं है सुनिए ध्यान से बहुत से लोग रेफॉर्मेशन सिखाते हैं रेफॉर्मेशन क्या है रेफॉर्मेशन है बाहर से सुधारना परमेश्वर आपके अंदर काम करता है आपको अंदर से बदलता है यह है पवित्र आत्मा का काम तो अंदर से हमारा जीवन हमारा चरित्र हमारा सद्भाव हमारा चाल चलन हमारी सोच हमारे काम करने का नजरिया हमारे जीवन की शैली हमारे जीवन का संपूर्ण रूपांतर हो जाए हालेलुया यीशु मसीह के वचन की कुदरत के द्वारा यीशु मसीह के लहू की शक्ति के द्वारा और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की कुवत के द्वारा ये काम होगा हालेलुया प्रभु आज की सुबह हम तेरे नाम को महिमा देते हैं तुझे धन्य धन्य कहते हैं हालेलुया धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबा धन्य धन्य तुझको प्रभु जी हम कहते बारंबा पर्वत तेरी शान दिखाते सागर प्रेम तिहारा चांद सितारों को जो देखा पाया रूप तिहारा तेरी महिमा अपरम तेरी महिमा अपरम तेरी महिमा अपरम पार प्रभु हम कहते बार ब्रम्बार धन्य धन्य तुझको प्रभु जी हम कहते बारंबार धन्य तुझको को यशुजी हम कहते बारंबार आले लुया लुइया खुदावन जी आज की सुबह आपके नाम को ऊंचा करते हैं आपके लहू के साय के नीचे आते हैं यीशु मसीह आपके पवित्र लहू को पुकारते हैं अपने लहू से हमें धोइए खुदावंद यीशु मसीह अपने लहू से धो के हमें शुद्ध कीजिए यीशु मसीह प्रभु जी हमें अपने पवित्र आत्मा की सामर से भरिए प्रभु जी पवित्र आत्मा का नया अभिषेक करिए आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी मलिनता अंदर से धोइए हमें शुद्ध कीजिए हालेलुया आपके खून के साय के नीचे आते हैं आपके रक्त के साहे के नीचे आते हैं आज की सुबह यीशु मसीह मैं आपके खून को पुकारता हूँ आपके पवित्र लहू को पुकारता हूँ आपका खून कार्यशील हो हमारे जीवन में आपका लहू हमारे जीवन में काम करे प्रभु आपका खून हमारे जीवन में काम करे आपके लहू की शक्ति हमारे जीवन में काम करे प्रभु आपका धन्यवाद 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 हो धन्यवाद 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 लवू की जय प्रभु हम मनजीत मसीह को आपके हाथों में देते हैं छुए से खुदावन इसके शरीर से दर्द शिद्दत दूर हो यीशु मसीह के नाम में आपका लहू छिड़कते हैं आपके लहू को पुकारते हैं लहू को पुकारते हैं खुदावन मैं एक एक जन पे तेरे लहू की कुदरत को खोलता हूँ मलकियत गिल पे इनके ख़ानदान पे अमरजीत कौर पे इनके घराने पे सुरर कौर पे इनके घराने पे खुदावंद जसविंदर सिंह सुरिंदर पे इनके घराने पे खुदावंत सी, सीम सिंह के घराने पे खुदावंत खुदावंद तारा बंसल इनके घराने पे रवि प्रकाश गुप्ता इनके घराने के ऊपर खुदावंत मीनू सूद इनके परिवार खास करके इनके पति के ऊपर आपके लहू को खोलता हूँ यशु नासरी तेरे खून की कुदरत मनीषा सिंघी पे इनके घराने पे खोलता हूँ खुदावंत तेरे लहू की कुदरत सुरे, सुरेश कुमार और मीना कुमारी और इनके घराने पे खोलता हूँ खुदावंद यीशु मसीह वनीता चोपड़ा इनके घराने के ऊपर आपके लहू की कुदरत को खोलता हूँ यीशु नासिर तनुजा सेठ इनके घराने पे आपके खून की कुदरत को खोलता हूँ विनोदनी क्रिश्चन विनोद क्रिश्चियन इनके घराने पे आपके खून की कुदरत को खोलता हूँ गुरप्रीत सिंह इनके घराने पर आपके खून की कुदरत को खोलता हूँ खुदावंद अपने लहू के साय के नीचे लेके आए खुदावंद हालेलुया आपके लहू की जय जयकार हो साहिल भाई पे खुदावन इनके घराने पे आपके लहू की कुदरत को खोलता हूँ यीशु मसीह आपके जलाली ख़ून की कुदरत को जसवंत सिंह पे खोलता हूँ खुदावंद अपने लहू की कुदरत को, को खोलें अपना ब्लड रिलीज करें खुदावन जलाली खून आपके लोगों के जिसम में आपका खून बहे आज की सुबह खुदावंद आपका ब्लड आपका जलाली खून आपका जलाली खून काम करे जलाली खून काम करे मैं जलाली लहू को जंदा लहू को बर्रे के लहू को पुकारता हूँ खून खौ काम करे खून काम करे खुदावन खुदावन मैं अपने आप को अपने घराने को अपने परिवार को आपके जलाली खून के साय के नीचे लेके आता हूं आपकी सुबह आज की सुबह अपने खून के साय के नीचे हमें छिपाइए खुदावन मसीह आपके जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं आमीन हालेलुया मैं आज आपको भाई और बहनों बहुत गहरी बातें बताने जा रहा हूं और बने रहिएगा पूरा वचन सुनिए हालेलुया परमेश्वर ने अपनी प्रजा इज़राइल के लिए धरती तैयार की परमेश्वर ने स्वयं एक धरती को तैयार किया जिसको यह परमेश्वर ने इसराइल का नाम दिया लेकिन इस धरती का पहले नाम था कनान अगर आप पढ़ेंगे शेम हाम यफेद की कहानी नू के तीन बेटों की तो जो शेम की औलाद थी उनके ऊपर आशीष आई याफेत के ऊपर आशीष आई लेकिन कनान के ऊपर लानत आई वो बड़ी गहरी कहानी है जिसमें मैं आज सुबह नहीं जाना चाहता हालिया हाम ने अपने पिता के संग किया दुष्ट कार्य किया जिसकी वजह से कनान के ऊपर जो कि हाम का हाम का आम, हाम का आगे बेटा है जिसके ऊपर लानत आ गई और वो कनान की रेस जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने वाली रेस निकली उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी उनकी पूरी जीनियालॉजी टोल पूरी प्रोजनी परमेश्वर के विरोध में खड़ी हुई तो हम देखते हैं कि कनान ने आके उस धरती पे कब्जा कर लिया जो धरती यहोवा परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए तैयार की थी जो अभी कौम पैदा भी नहीं हुई थी हाल तो उसका नाम देश का नाम कनान पड़ गया अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक कूच की किताब जिसे हम बोलते हैं निर्गमन उसका तैतीस अध्याय का तीन वचन प्रभु यहोवा क्या कहता है वहां पर सुनिए मैं दो वचन से पढ़ता हूं दो वचन तेतीस अध्याय निर्गमन जिसे खरूज की किताब बोलते हैं उर्दू में एक्सडिस उसका सेकंड चैप्टर सुने क्या कहता है खुदा आई विल सेंड एन एंजल बिफोर यू एंड आई विल ड्राइव आउट कैन द नाइट द दाई टाइट द पेरासाइट दाई वाइट एंड द जेबसाइट क्या कहता प्रभु या हुआ प्रभु युवा कहता है मैं अपने एंजल को भेजूंगा ये जो एंजल है ना ये हामिल मलाक है ये साधारण एंजल नहीं है ये खामिल मलाक ये खुद खुदावंद यीशु मसीह है यह प्री इनकार्नेट क्राइस्ट है सेनाओं के यहोवा की फौजों का सेनापति जिसके नीचे में है इसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह तो क्या कहता है खुदावंद कि मैं कनानियों को अमोरियों को हितियों को पेरेसाइट को हाइबाइट को जेबसाइट को निकाल दूंगा और तीसरे वचन में क्या कहता है ये कौन है ये है भाई और बहनों ये नफलीम है ये प्योर ह्यूमन बीइंग नहीं है ये हाइब्रिड है इनके अंदर मिक्स ब्लड है ये मिक्स डीएनए है ये फॉलन एंजल के द्वारा पैदा की गई ह्यूमन प्रॉजनी है ये दैंत हैं बड़े बड़े जायंट्स हैं जिनका कनान के ऊपर कब्जा है ह्यूज टॉल स्टैचर के बड़े बड़े ये जाइंट्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है और ये लैंड कैसी है गो अप टू अ लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी बट आई विल नॉट गो अप अमंग यू आई कंज्यूम यू ऑन द वे फॉर यू आर अ स्टिफ नेकेड पीपल क्या कहता है प्रभु योगा प्रभु यौवा कहता है मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा क्योंकि तुम सख्त गर्दन वाले लोग हो तुम बार बार तुम्हारे दिल गुमराह होते हैं तुम बार बार मेरे बड़े बड़े कामों को भूल जाते हो तुम बार 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 रिबेल करते हो और बार बार अविश्वास का शिकार हो जाते हो और ये के बड़े कामों को भूल जाते हो और तुम सख्त गर्दन के लोग हो तुम्हारी आंखों पे चर्बी चढ़ी है तुम कुड़कुड़ाते हो बुड़बुड़ाते हो और मुझे प्रवोक करते हो अंदर के लिए लेकिन प्रभु यहोवा क्या कहता है कि ये वो धरती है जहां दूध और शहद की धाराएं बहती है आपको मालूम है एल्फर्ड एल्डरशाइन अगर आप उन पुस्तकों को खरीदने पाए तो उन्हें खरीदें वो ट्रेजर है किताबें तो क्या कहता अल्फर्ड एल्डरशाइन अपनी बुक में अल्फर्ड एल्डरशाइन कनान के विषय में बताता है कि कनान बहुत खूबसूरत जमीन है कनान में पहाड़ भी हैं, कनान में पठार भी हैं, कनान में तराइयां भी हैं कनान में डेजर्ट भी है और जंगल भी है और कनान जंगली बड़ी बड़ी बकरे और बकरियों से भरा हुआ था जंगली जानवरों से भरा हुआ था कनान के अंदर पूरे कनान में जंगली शहद की मक्खियों के छत्ते थे कनान की जमीन एक्स्ट्रा ऑर्डनरली उपजाऊ थी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फर्टिलिटी लैंड जमीन इतनी उपजाऊ थी कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते और बड़ी बड़ी बकरियां और बड़े बड़े जंगली जानवर उनके थनों से दूध बहता रहता था और दूध की लिटरल धाराएं बहती थी कनाम देश में लिटरली दूध की धाराएं बहती थी और शहद बहुत था उन हनी कुंभ में से शहद के छतों में से शहद बहता रहता था इतना बड़ा यह देश था और इतनी जरखेज हालेलुया उपजाऊ जमीन थी एक वचन पढ़िए गिनती की पुस्तक निकालिए जल्दी से गिनती की पुस्तक नंबर्स तेरा अध्याय गिनती की पुस्तक तेरह अध्याय और उसका पढ़िए आप गिनती तेरा का तेईस सुने अब यहां पे बाईस से पढ़ता हूं यह है जो बारह स्पाइज बारह जासूस जासूसी करने गए हैं सुने क्या लिखा है इक्कीस से पढ़ता हूं गिनती तेरह का इक्कीस सो दे वेंट अप एंड स्पाइड आउट द लैंड फ्रॉम द ऑफ जिन टू दूब ने हमाथ they went up into Negev and came to Hebron, Ahiman, Shishai, Talami, the descendant of Anak were there. कौन है यहां पर यहाँ पे कौन है भाई और बहनों अहिमन शिशई तलामाई द डिसेंडेंट ऑफ अनाकीम ये कौन है अनाकीम ये दैंत हैं, बड़े बड़े दानव हैं। ये रेंज करते हैं चौदह फुट से लेके पच्चीस फुट तक इतने बड़े बड़े दाना हैं इस धरती के अंदर हाल ही और सुने आगे क्या लिखा है तेईस एंड दे केम टू द वैली ऑफ एशकॉल एंड कट डाउन देयर अ ब्रांच विद अ सिंगल क्लस्टर ऑफ ग्रेप एंड दे कैरीड इट ऑन अ पोल बिटवीन टू ऑफ देम दे दल्सो ब्रॉट सम समीग्रेनिट ऑफ द दे फल्ड द प्लेस वॉज कॉल्ड वैली ऑफ एशकॉल बिकॉज द क्लस्टर दैट द पीपल ऑफ इसराइल कट डाउन फ्रॉम देयर बहुत बड़ा अंगूर का गुच्छा था जिसको दो लोगों ने अपने कंधे के ऊपर एक डंडा लिया काटा उसके बीच में अंगूरों का बड़ा गुच्छा रखा इतना जरखेज जमीन है बड़े बड़े गुच्छे अंगूरों के जो मन मन के दो दो मन के थे इतनी उपजाऊ जरखेज जमीन है ये हाँ इसका मैं एक और वचन पढ़ता हूं इसका अट्ठाईस वचन इसका अट्ठाइस वचन तेरा का अट्ठाइस हाउ एवर दीपल इन द लैंड आर स्ट्रॉन्ग एंड द सिटीज आर फोर्टिफाइड एंड वेरी लार्ज बिसाइड्स वी सॉ द डिसेंडेंट्स ऑफ अनाक द इन द लैंड ऑफ निगेब द द द टाइट जेबुसाइट इन हिल्स दिन कंट्री एंड द द बाय दी अलॉन्ग जॉर्डन तो वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि वहां पे दानव रहते हैं नकीम रहते हैं बड़े बड़े दाए दानव हैं, दूध और शहद की धाराएं बहती हैं बहुत फल है तरह तरह के फल हैं जमीन बहुत जरखेज़ है फर्टाइल है बहुत भयंकर फसल होती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे रहता कौन है दैत रहते हैं दानव रहते हैं और क्या कहते हैं वहाँ पे बड़े बड़े दानव रहते हैं बड़े बड़े दानव हुँ? और ये लोग क्या कहते हैं ये लोग कहते हैं इसका आप पढ़ लीजिए तेतीस वचन एंड वी सॉ द नफलीम ऑफ अनाक हु कम फ्रॉम नफलीम हॉपर एंड सो वी सीम टू दैम वहां पे दानव है नफलीम है उत्पत्ति की पुस्तक छे अध्याय वाले बड़े बड़े दैंत रहते हैं और हम तो टिड्डों की मानिंदे उनके आगे हाल देख रहे हैं आप वो अपने आप को टिड्डों के रूप में देख रहे हैं और वो उन्हें दानव के रूप में ये छह बड़ी कौमें हैं अगर आप पढ़ेंगे एक्सडस जिसे हम निर्गमन कहते हैं एक्सडस चैप्टर नंबर थ्री वर्स नंबर सेवनटीन पढ़िए जल्दी से एक्सडस थ्री सेवनटीन देखें क्या लिखा है यहाँ पे यहां पे लिखा है एक्सरेस थ्री सेवनटीन में एंड आई प्रोमिस दैट आई विल ब्रिंग यू अप आउट ऑफ द दिक्शन ऑफ इजिप्ट टू द लैंड ऑफ कैन कनान की धरती है ये द हाइटाइट द एमोराइट द पेरासाइट द हाईवाइट द जेबसाइट ए लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी एक धरती जो दूध और शहद की धाराएं जहां बह रही हैं छह जाइंट है यहां पे सेवन एंट्री पॉइंट हैं इसके समझ रहे हैं आप यह धरती का वायदा किया गया है इब्राहिम से लेकिन इस धरती के ऊपर दानवों का कब्जा है परमेश्वर इसराइलियों को लेकर आता है सात एंट्री पॉइंट है लेकिन परमेश्वर सबसे खतरनाक एंट्री पॉइंट से लेके आता है जिसका नाम है ज़रीहो यरी को यरी हो यरीहो एक बहुत अद्भुत एक बहुत ही अजीम किस्म का शहर है अगर आप यरीहो की रिसर्च करेंगे ऑनलाइन रिसर्च कीजिए इसराइल में जाइए वहां पर रिसर्च कीजिए यरीहो के यरीहो के ऊपर अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व विज्ञानी इसराइल में रिसर्च कर रहे हैं यरीहो की जो नींव है इस शहर की बहुत चौड़ी है बहुत चौड़ी अत्यंत चौड़ी और अत्यंत गहरी है प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने अपनी प्रजा को अगर आप छे अध्याय पढ़ेंगे अध्याय यहोशु की पुस्तक उसके पहले दो वचन पढ़ें, तो वहां पे लिखा यरीहो एक बंद शहर था अंदर और बाहर से लॉक्ड था ताला लगा था यरीहो को और वहां पे हिब्रू वर्ड बंद के लिए है सागार और ये वर्ड दो बार यूज हुआ है वहां पे लिखा है कि ये जेरिको वॉज सगार सगार जेरिको वॉज क्लोज फ्रॉम इन साइड एंड जेरिको वॉज क्लोज फ्रॉम आउटसाइड एंड जेरिको हैज ह्यूज वॉल्स ये रिहो की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी और अंदर से भी ये को ताला लगा और बाहर से भी ताला लगा है नो बडी कैन कम आउट नो बडी कैन गो इन ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है जेरिको द आर्कियोलॉजिस्ट दैट मेड रिसर्च साइंटिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट दैट हैव डग अप द फाउंडेशन ऑफ जेरिको दे हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट जेरिको वाज ए साइक्लोपियन स्ट्रक्चर यरीहो एक साइक्लोपियन स्ट्रक्चर है साइक्लोपियन स्ट्रक्चर क्या होते हैं भाई और बहनों साइक्लोपियन आर्किटेक्चर है जो नू के फ्लड से पहले का है यरीहो शहर नू के नू के समय जो फ्लड आया उसमें बर्बाद नहीं हुआ बच गया यह साइक्लोपियन स्ट्रक्चर है जो लोग यरीहो की रिसर्च कर रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट उन्होंने इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की है अगर आप चक मिसलर नाम के एक स्कॉलर का रिसर्च काम पढ़िए और आप पढ़िएगा एल ए मार्जूली का रिसर्च काम और स्टीव कोयल का रिसर्च काम आपको पता लगेगा कि और बहुत सारे जो वहां पे आर्कियोलॉजिस्टों का काम है लोग मानते हैं कि छह हजार साल से पुराना स्ट्रक्चर था ये साइक्लोपियन स्ट्रक्चर ये दैंतों ने बनाया था दानवों ने मनुष्यों ने नहीं बनाया था यदि को और ये नूह के बाढ़ में नूह के फ्लड में गिरा नहीं तो इसको इसके ऊपर मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च की है स्टीव कोयल एल एम आरजूली ने जो ये बताते हैं कि इसको जो बनाया गया ये रेहू को ये उन दैंतों ने जिन्हें हम नफलीम बोलते हैं बड़े बड़े जायंट जो तीस तीस चालीस चालीस फुट के थे उन्होंने जब इसको बनाया तो साइमेटिक हार्मोनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया साइमेटिक क्या चीज है ये साउंड रेजोनेंस से बोलते हैं उन्होंने क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन के नीचे जाके उन्होंने देखा कि इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जो सात सात आठ आठ सौ टन के पत्थर हैं उसकी नींव में रखे गए हैं नीचे और वो स्टोन जो है बड़े बड़े पत्थर हैं उनके बीच में ना तो कोई चूना लगा है ना कोई उनके अंदर मोटर या मसाला लगा है वो पत्थर काटे गए हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी से काटे गए हैं बिल्कुल शार्प एजैन पत्थर के स्ट्रेट लाइन में काटे गए हैं तो ये जो स्कॉलरली लोग हैं इन लोगों ये लोग मानते हैं कि साउंड वेव के द्वारा उन्हें काटा गया हारमोनिक्स साइमेटिक्स ये क्या चीजें वो अपने नथनों में से बहुत तेज आवाज पैदा करते थे ये जाइंट दैंत लोग बहुत तेज नेजल कैविटी में से ये 25 से 30 फुट लंबे दानव थे और इसे हम वॉचर टेक्नोलॉजी बताते हैं कहते हैं ये जो दानव थे इनकी बहुत जबरदस्त साइंटिफिक टेक्नोलॉजी थी तो ये अपने नथरों से ना अपने नाकों से बहुत तेज सांस निकालते थे और बहुत तेज आवाज पैदा करते थे जिससे बड़े बडे चट्टाने लेविटेट करने लगती थी हवा में फिर उसी टेक्नोलॉजी से उन्हें काटते थे बिल्कुल शार्प जरा आप कल्पना करें ये जो स्टोन्स हैं इन्हें आज भी ऐसी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं है काटने की आज भी मनुष्य के पास इतनी बड़ी बड़ी नहीं है जो 700, 800 सौ हजार दो हजार टन के स्टोन को उठा सके तो इन नफलीमो ने साइमेटिक यूज किया डिवाइन हारमोनिक्स यूज किया साउंड वेव टेक्नोलॉजी यूज की नाकों में से आवाज निकाल के नाक में से वेव निकाल के उन स्टोन्स को काटा है आपको मालूम विज्ञान क्वांटम फिजिक्स क्या बताता है अगर आप स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर अध्ययन करेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि पूरी दुनिया ये ब्रह्मांड जो है रेजोनेट कर रहा है यह परमेश्वर की आवाज आ रही है स्वर्ग से और ये पूरी सृष्टि वाइब्रेट कर रही है आपको ये जो चीजें अपने घर के अंदर ऐसे दिखाई दे रही हैं कि एक जगह पड़ी है ये रियलिटी में पड़ी नहीं है ये सब हिल रही है ये वाइब्रेट कर रही है लेवट ये ये सारी की सारी क्रिएशन रेजोनेट कर रही है परमेश्वर की आवाज के ऊपर तो ये जो वॉचर हैं इन्होंने इसी टेक्नोलॉजी को यूज किया है आपको मालूम पृथ्वी की हार्मोनिक रेजोनेंस है पृथ्वी की आवाज है एक एक, एक साउंड है पृथ्वी की एक रेजोनेंस है और आपको मालूम वो रेजोनेंस क्या है वो है 783, एटी थ्री ये रेजोनेंस है जमीन की जिसे हम डिवाइन फ्रीक्वेंसी कहते हैं सेवन गॉड्स परफेक्ट सालेशन एट न्यू बिगिनिंग एंड थ्री परफेक्ट विटनेसेस सेवन एट थ्री हाल है आपको मालूम जब साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल स्पेस सूट डिजाइन किया जाता है पूरी उनकी बॉडी कवर होती है स्पेस सूट में जब वो एस्ट्रोनॉट अपने स्पेस शटल से बाहर निकलते हैं स्पेस में जाते हैं तो पूरी तरह कवर्ड होते हैं अगर उनका स्पेस सूट कहीं से ब्रेक हो जाए तो उनकी डेथ हो जाती है आपको मालूम क्यों क्योंकि स्पेस के अंदर एक साउंड है रेजोनेंस है वो उनके कानों में अगर पड़ेगी तो उनकी डेथ हो जाएगी उनकी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी इसलिए उनको स्पेस कैप्सूल में रहना पड़ता है और स्पेस सूट पहनना पड़ता है बिकॉज ऑफ द साउंड वेव आपको मालूम ये साउंड वेव लोगों को गुलाम बनाती है आज आप देखिए किसी बड़े शहर में घूमिए आप पैदल देखेंगे आप सबके कान के अंदर हेडफोन लगे हुए हैं ब्लूटूथ लगा हुआ है लोग चलते जा रहे म्यूजिक सुनते जा रहे हैं लोगों को साउंड ने रेजोनेंस ने ने गुलाम बनाया हुआ है डिवाइन हारमोनिक्स लोगों को गुलाम करेगी एक साउंड वेव आएगी जो लोगों को गुलाम बनाएगी तो जरीहो में बहुत गहरी बातें थी इन दानवों ने फाउंडेशन के अंदर आपको मालूम, जब यरीहो को खोदा गया यरीहो की फाउंडेशन को खोदा ने, हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं वो हैरान हो गए यरीहो की डीप फाउंडेशन के अंदर दीवारों में बच्चे चुने हुए थे छोटे छोटे बच्चों को पैदा होते बच्चों को बीच में चुन दिया गया था ये लोग अकल्टिक लोग थे ये जो दानव थे ये जादूगरी करते थे शैतानी काम करते थे छोटे बच्चों की बलियां देते थे ब्लड की बलियां देते थे जानवरों की बलियां दी जाती थी और इन लोगों को साइंस का पता था ये रेजोनेंस को यूज करते थे सिमेटिक को यूज करते थे साउंड रेजोनेंस को यूज करते थे अपने नथनों में से आवाज निकालते थे साउंड क्रिएट करते थे चट्टानों रॉक को काटते थे रॉक्स को लेविटेट करते थे भाई और बहनों आप अध्ययन कीजिए साइक्लोपियन स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे जो नू के फ्लड के दौरान गिरे नहीं उन्हें साइक्लोपियन स्ट्रक्चर कहा जाता है जिनकी रेडियोकार्बन डेटिंग की विज्ञान ने पूरी दुनिया में है वो जो गीजा के पिरामिड है वो भी दानवों ने बनाए हैं यूरोप के अंदर आपको मिलेंगे स्टोन बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हमारे इंडिया में ऐसे टेम्पल हैं ऐसे टेंपल है साउथ में मैंने ऐसे टेंपल देखे हैं जो एक चट्टान को खोद के बनाए गए हैं उस टेंपल के अंदर 16-17 कमरे हैं लेकिन कोई भी लेंटर नहीं डाला कोई भी दीवार नहीं बनाई बीच में से ही चट्टान को खोद खोद के और ऐसी कार्विंग की गई है डिजाइन डाले गए स्टोन के ऊपर जिसके लिए आज भी ऐसी कोई लेथ मशीन नहीं है आज भी ऐसे टूल्स नहीं है इतना बारीक काम करने के लिए यह सारा काम शैतानी टेक्नोलॉजी से किया जाता था सुन रहे हैं मेरी बात यरीहो एक बहुत बड़ा शैतानी गढ़ था यरीहो को साउंड टेक्नोलॉजी से बनाया गया आवाज से रेजोनेंस से आपको मालूम दुनिया के कई जो पंथ हैं वहां पे लोग भक्ति कैसे करते हैं मेडिटेशन कैसे करते हैं साउंड है ये ये रेजोनेंस है सुन रहे हैं मेरी बात आप तो यरीहो शहर को साउंड टेक्नोलॉजी से स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर बेस्ड है साइमेटिक डिवाइन हार्मोनिका के ऊपर बेस्ड है उन्होंने साउंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बनाया और यह शैतानी गढ़ था बहुत बड़ा साउंड वेव के द्वारा तो प्रभु यहोवा ने क्या कहा प्रभु यहोवा शैतान को उसी के हथियार से मारता है प्रभु यहोवा ने इस रैलियों से पहले यह कहा छह दिन खामोशी से चक्कर लगाना होगा केवल चक्कर लगाना सात में दिन सात चक्कर लगाना और जोर से साउंड निकालना हाले लु है यहोवा ने शैतानों की बदरुओं की दैंतों की नफलीमों की साउंड टेक्नोलॉजी को हारमोनिका को उनकी लेविटेशन थ्योरी को उनकी शैतानी साइंस को जो हारमोनिका के ऊपर बेस्ड है यहोवा ने उसे अपनी हारमोनिका से हराया क्या कहा यहोवा ने यहोवा ने कहा सात चक्कर लगाना और जोर से तुरिया फूकना जोर से तुरी फूकी तू तु तू 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 जोर जोर से याजक तुरिया फूकेंगे स्वर्ग के परमेश्वर की स्वर्गी म्यूजिक पैदा किया जाएगा स्वर्ग के परमेश्वर का स्वर्गीय डिवाइन रेजोनेंस पैदा किया जाएगा स्वर्ग के परमेश्वर का स्वर्गीय साउंड टेक्नोलॉजी रिलीज की जाएगी हाले और क्या होगा भाई और बहनों यरीहो की दीवारें गिर गई टंबल डाउन हाले लुया द वॉल्स ऑफ जेरी को केम क्रैशिंगली डाउन हाल हालेलुया वो शहर जो अंदर से बंद और बाहर से बंद था डबली लॉक्ड था वो टम्बल डाउन कर गया हालेलुया तो भाई और बहनों डेमोनिक हार्मोनिका को जो शैतानी हार्मोनिक्स हैं शैतानी साउंड है शैतानी म्यूजिक है शैतानी साउंड टेक्नोलॉजी है उसको आपने यहोवा की साउंड टेक्नोलॉजी से हराना है ट्रम्पेट बजाई गई शोफार तुरिया और शोफार फूके गए और जोर से जयकारा लगाया खुदावंत के लोगों ने जब खुदावंत के लोगों ने प्रेज की यहोवा परमेश्वर की तो वो सब कुछ नीचे ढह गया और उन दानवों को मार दिया गया जो दानव क्या करते थे छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने वॉल में प्लांट किया था अकल्टिज्म के लिए शैतानी कामों के लिए आपको मालूम प्रभु यहोवा ने क्या कहा यह शहर इतना कर्स था इतना बड़ा शैतानी गढ़ था यह शहर कि प्रभु यहोवा ने यह कहा था कि इस शहर को दोबारा नहीं बसाना पढ़िए एक वचन यहोशू की किताब निकालें, उसका छ अध्याय यहोशू की पुस्तक निकालिए चैप्टर नंबर सिक्स और इसका पढ़िए ट्वेंटी सिक्स छे का छब्बीस इतना कर्स्ट शहर था ये कि यह होशु ने क्या कहा जाशुआ लेड एंड ओथ ऑन देम एट दैट टाइम बिफोर द लॉर्ड बी द मैन हु अप एंड रीबिल्ड्स दिस सिटी जेरिको अब जो दोबारा इस शहर को कोई बसाएगा उसके ऊपर श्राप होगा एट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बोर्न ही ले इट्स फाउंडेशन एंड एट द कॉस्ट ऑफ हिज यंगेस्ट सन शैली सेटअप इट्स गेट So the Lord was with Joshua and his fame was in all the land. Hallelujah. लैंड परमेश्वर के दास ने शहर के ऊपर श्राप दिया कि उसके पहलोटे की भी मौत हो जाएगी और उसके जेश उसके छोटे बेटे की भी मौत हो जाएगी जो यरीहो को दोबारा बसाने की कोशिश कोशिश करेगा इतना डेमोनिकली चार्ज्ड था ये शहर जो था डेमोनिकली चार्ज्ड अप था शैतानी ये श... पाप से बदकारी से जादूगरी से टूना से शैतानी कामों से भरा हुआ शहर था इसकी जो नी, नीव थी वो डेमोनिकली चार्ज थी नफलीमों ने और जो मिंगल्ड सीड थे जो दैंत थे जिनका डीएनए म्यूटेट हुआ था जो शैतानी एंटिटी थे अनाकीम थे बड़े बड़े दानव थे उन्होंने इसे बनाया था भाई और बहनों और आपको मालूम प्रभु ने कहा था इसे दोबारा कोई नहीं बनाएगा अगर बनाएगा उसका पहला उठा मरेगा और उसका छोटा बेटा मरेगा तो देखिए आप पढ़िए एक वचन मेरे साथ मैं आपको बताता हूं क्या हुआ पहला राजा सोलह अध्याय निकाले पहला राजा सोलह अध्याय पहला राजा सोलह अध्याय और उसका चौतीस वचन तैतीस और चौंतीस अब सुन लीजिए ध्यान से ये जो तो तैतीस और चौतीस वचन है इस समय इसराइल में राजा है अहाब और उसकी पत्नी जिजबिल इजबिल जो कौन है इथबाल की बेटी है इथबाल कौन है इथबाल एक राजा है कहां का फिनिशियन राजा है सिडोनियन फिनिशियन राजा ये मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पे किंगडम है उसका राजा है इथबाल ये कौन है राजा ये बाल का पुजारी है बाल देवता का पुजारी है उसकी पूजा करता है उसका याजक भी है और राजा भी है उसकी बेटी है इजबेल जो शैतानी औरत है और उससे शादी करता है इसराइल का राजा अहाब जो कि दुष्ट राजा है और यह औरत आके इसराइल में बाल की पूजा शुरू करवाती है और लोग यहोवा को छोड़ देते हैं और शैतानी कामों में गंदे कामों में बदकारी में दुष्टता में नॉर्दर्न किंगडम बहुत आगे बढ़ जाती है जब पूरे का पूरी नॉर्दर्न किंगडम इसराइल के दस गोत्र पाप में गिर जाते हैं बदकारी में गिर जाते हैं गंदे कामों में जादूगरी में टूना में हर तरह के शैतानी कामों में बेविचार के गंदे कामों में गिर जाता है पूरा राष्ट्र तो ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट होता है ऐसा माहौल क्रिएट आपको मालूम बदकारी के लिए एटमोसफियर चाहिए गंदे कामों के लिए हरामकारी के लिए जनाकारी के लिए एक एटमॉस्फियर चाहिए शैतान पहले आपको एटमोस्फियर क्रिएट आपके द्वारा क्रिएट करवाएगा वो एटमोस्फियर और ऐसे ही परमेश्वर के चरणों में जाने के लिए भक्ति करने के लिए आराधना करने के लिए परमेश्वर की जूरी में आगे बढ़ने के लिए भी एटमोस्फियर चाहिए तो अहाव राजा और इजाबेल ने शैतानी शक्तियों के लिए पूरा एटमोस्फियर क्रिएट किया इसराइल में पढ़े वचन एंड ए हैव मेड एन अशेरा हैव डिड मोर टू द लॉर्ड गॉड ऑफ इज़राइल टू एंगर देन ऑल द किंग्स ऑफ इज़राइल बिफोर हिम उसने क्या किया अशेरा उसकी बीवी ने बालिमों को खड़ा किया और उसके पति अहाब ने अशेरा को मैंने आपको बताया तीन ही पूजा है बाल अशेरा एंड द होस्ट ऑफ हेवन यही है बाबेलोन का धर्म यही है जिसने पूरी दुनिया को भरमाया हुआ है पढ़ लीजिए मैं इसी का तेरा का पहला राजा तेरा अध्याय का मैं आप आपके लिए पढ़ देता हूं तेरा का इकतीस से पढ़ता हूं तीस से तेरह का तीस से सुने एंड एहब सन ऑफ डिड डिडीवल इन द साइट ऑफ द लोर्ड मोर देन ऑल बिफोर हिम अहाब ने इतना पाप किया जितने राजा उससे पहले थे उन सबसे बढ़ के किया इकतीस एंड एज इट हैड अ लाइट थिंग फॉर हिम टू वॉक इन द सेंस ऑफ द सन ऑफ़ ही हिज वाइफ़ जरोफ इज द डॉटर ऑफ इथबाल किंग ऑफ ज़ाइडोनियम, एंड वेंट एंड सर्व्ड बाल एंड वर्शिप हिम देखिए इथबाल की बेटी से शादी की और बालिमो की पूजा की बाल की उन और उनकी आराधना की और बत्तीस वचन में क्या लिखा है एंड ही इरेक्टेड एन ऑल्टर फॉर बाल इन द हाउस अ बाल विच ही बिल्ट इन समरिया उसके लिए मंदिर बनाया बालिमों के लिए फिर उसने क्या किया अशेरा की पूजा की और उसने इतना क्रोध दिलाया यह को जितना किसी राजा ने उससे पहले नहीं दिलाया और आगे क्या लिखा चौंतीस वचन में इन हिज डेज उन उसके दिनों में जब पाप इतना बड़ा पाप का इतना जबरदस्त एटमोस्फियर क्रिएट किया राजा अहाब और उसकी दुष्ट पत्नी इजबेल ने तो उन दिनों में क्या हुआ चौंतीसवें वचन इन हिज डेज ही बिल्ट जेरिको अब यरीहो बनाया जा रहा है जबकि यरीहो के ऊपर श्राप है और यह कहा गया यरीहो नगरी को दोबारा नहीं बनाना यह शैतानों ने बनाई दुनिया थी उन गिराए गए दूतों ने उनके बीज ने जो बड़े बड़े दैंत थे दानव थे शैतानी काम करते थे उन्होंने जो मनुष्य के बीज को जिन्होंने करप्ट किया उन्होंने शहर को बनाया था और यहां पर शैतानी टेक्नोलॉजी थी शहर के अंदर प्रभु ने कहा था यह दोबारा नहीं बनाना क्योंकि इसकी मिट्टी भी चार्ज है ईवल उसको डिस्ट्रॉय कर दिया यहोवा परमेश्वर ने लेकिन उसकी फाउंडेशन उसकी मिट्टी के अंदर अभी भी शैतानी ऊर्जा है इसे दोबारा नहीं बनाना फिर भी इस बंदे ने जिसका नाम हीयल ऑफ बैतल है कब बनाया जब इजाबेल ने और जब अहाब ने एटमोसफ्रियरफियर क्रिएट किया माहौल बना दिया बुराई के लिए भाई और बहनों बुराई के लिए पाप के लिए बदकारी के लिए, लिए माहौल क्रिएट किया जाता है दुष्ट शक्तियां लोगों में घुस जाती हैं और उन्हें बदकारी के बुराई के पथ पे लेके जाती हैं ताकि विनाश का एटमोस्फियर क्रिएट किया जाए एकदम विनाश नहीं आएगा एकदम भाई और बहनों परमेश्वर के न्याय का जल जला नहीं आएगा शतान लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करेगा उससे पहले लोग एक माहौल क्रिएट करेंगे एटमोस्फियर बनाएंगे उस एटमोस्फियर में बदकारी पनपती है बदकारी को पाप को गंदे कामों को पनपने के लिए माहौल चाहिए तो इजबेल ने और अहाब ने माहौल बना दिया तो इस व्यक्ति ने क्या किया यरीहो को बनाया? जैसे उसने नीव डाली उसका उठा अबिरैम मर गया एंड he set इट्स गेट्स एट द कॉस्ट ऑफ हिज his सन son सिगुब जब उसने उसके गेटों को खड़ा किया तो उसका छोटा बेटा सिगुब मर गया दो बेटे अभिराम और सिगुब। उनके नाम इसलिए लिखे गए हैं ताकि लोग जाने कि परमेश्वर का कलाम सच्चा है ताकि लोग जाने यदि परमेश्वर ने आपको किसी काम को करने की वार्निंग दी है और आप करेंगे तो आपको दंड मिलेगा जो काम प्रभु यहोवा ने करने से वर्जित किया उसे मत करें इसलिए उसके दोनों बेटों के नाम लिखे अबिराम और सिग्गुब दोनों मर गए अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड विच ही स्पोक ऑफ दन उस कलाम के मुआफिक जो कलाम यहूशू ने बोला था कई सौ साल बाद ये काम हुआ कई सौ साल बाद यहूशू ने कहा था ऐसा होगा और वैसा ही हुआ तो भाई और बहनों आप अपने जीवन में अपने घर में पवित्र माहौल बनाए परमेश्वर की हजूरी के लिए एटमॉस्फ़ेयर क्रिएट करें पाप के लिए नहीं बदकारी के लिए नहीं गंदे कामों के लिए नहीं आपको मालूम जब आपने पाप के लिए बदकारी के लिए हरामकारी के लिए जादूगरी लुच्छ पुने के लिए अगर आपने एटमोस्फियर बना दिया ना कुछ समय उन पापों में मुबतला होके तो वो एटमोस्फियर तोड़ना मुश्किल हो जाएगा सुन लीजिए मेरी बात इसलिए अगर आपसे गलती होती है कोई पाप होता है यीशु मसीह की ओर दौड़े उसी समय उसके चरणों में विलाप करने लगें लोगों के लोग क्या कहेंगे ये मत सोचें लोगों के आगे अपनी फोकी शान की वो ना करें कि हमारी फोकी शान कायम रहे लोगों के आगे यीशु मसीह के चरणों में विष जाइए उससे क्षमा मांगिए शतान आपके जीवन में एटमोस्फियर ना बना दे पाप का शतान आपके परिवार में माहौल ना खड़ा कर दे कि वो आपके घर में राज करने लगे हाल परमेश्वर क्या कहता है परमेश्वर कहता है कि जैसे इन्होंने सिमेटिक टेक्नोलॉजी से जैसे इन लोगों ने हारमोनिका को यूज किया साउंड वेव टेक्नोलॉजी को यूज किया वैसे ही तुम अपनी तुरिया फूको नरसिंग बजाओ और यहोवा होवा के लिए गाओ हाली तो यहोवा होवा के लिए गाइए प्रतिदिन भजन करते रहिए अपने दिलों में गाते रहिए स्तुति गान करते रहिए भजन गाते रहिए प्रभु यहोवा होवा के लिए हाली लुया पूरा दिन अपना चार्ज करके रखें पूरा दिन सुबह ही उठ के चार्ज कर लें और दिन में बार बार रिफ्यूलिंग करें अपनी आत्मा की रात को चार्ज अप करें अपने आप को भर के रखें एक ऐसे माहौल से अपने हार्ट को अपनी सोल को हाले और अपने परिवार को भर के रखें परमेश्वर की पवित्र हजूरी से हाले परमेश्वर हर एक दीवार को गिराएगा आपके जीवन में हाल हर एक दीवार को जो शैतान ने खड़ी की है यह उन्हें गिराएगा हालेलुया परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे मैं दिन में फिर ऑनलाइन आऊँगा और और हम परमेश्वर के कलाम पर अध्ययन करेंगे ये जो वचन मैंने आपको आज सुबह बांटे हैं प्लीज़ इसे दोबारा सुने और प्लीज़ इस मैसेज को लोगों को पहुंचाएं अपनी फेसबुक पे डालें लोगों से शेयर करें इसे अपने तक मत रखिए ये बहुत गहरे कलाम है बहुत डीप वचन है जो मैं आपके संग बाँटता हूँ तो प्लीज़ इन्हें लोगों को भेजें लोगों के संग बांटें परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे दिन में आज मैं फिर ऑनलाइन आऊँगा हम आधा घंटा इंटरसीड करेंगे प्रार्थना करेंगे उस समय आप अपनी प्रार्थना विनतियाँ मुझे भेज सकते हैं शायद दस बजे मैं कोशिश करूँगा कि दस बजे हम सिर्फ प्रार्थना के लिए इकट्ठा हों और शाम को एक और बाइबल स्टडी फिर हम करेंगे हालि लोइया आप सबको बहुत बरकत दे हालि जय यीशु मसी की